गाइस कैसे हैं, नमस्कार। सब बढ़िया होंगे। ये मेरा पहला ब्लॉग है आज। इसका शुरुआत आज ही किया मैंने। अभी हम पहाड़ को जा रहे हैं। मेरे साथ वो हमारे जोशी जी, दिखाते हैं आपको। ये है जोशी जी हमारे, जानते होंगे आप, वैसे देखा तो होगा आपने। ये हमारे सौरभ जोशी जी के पापा जी हैं उनके, ब्लॉगर जानते होंगे। अब यहाँ चाय पानी करते हैं, उसके पराठा और यहाँ पर नाश्ता करके हमारी चाय पकौड़े आ गई है। तो ये लो आपकी चाय, ये पकौड़े, ये चटनी मस्त एकदम। तो खा ले, फिर अब नाश्ता पानी हो गया, अब चलते हैं। हम ब्लॉग देख रहे हैं सौरभ जोशी का। ये ब्लॉग देख रहे हैं हम यहाँ पे बैठे, थोड़ा सौरभ जोशी का ब्लॉग। दो बच्चे में हम निकलते हैं सीधे घर की तरफ को, और रानीखेत होते हुए चलते हैं। आ जाओ, चलते हैं अब गाड़ी में। तो गाइस, भजनों का आनंद लेते हुए हम जा रहे हैं रानीखेत की तरफ। बहुत मजा आ रहा है, आप भी सुनो इस भजन को, बहुत मजा आएगा। तो ये भजन हमारे वैष्णव साहब ने ही गाया हुआ है, बहुत मस्त भजन है, आप सुनोगे तो बहुत मजा आएगा आपको। थैंक यू। रानीखेत पहुंच चुके हैं। तो छावनी परिषद रानीखेत आ चुकी है। अब यहाँ से थोड़ा ही होता है रानीखेत, अब 1 घंटे का रास्ता हो रहा है, आपको रानीखेत मिलेंगे। रामनगर लुगाई नहीं हुई है, रामनगर होते हुए चपटी हूँ ना, रामनगर होते हुए रानीखेत में। गाइस हम पहुंच गए हैं बगवाली पुखर। और वो सब्सक्राइबर है, यहाँ मिल गए हम रास्ते में, इनके पापा को मिले। ये सोमेश्वर घाटी, ये है लोध, बिल्कुल प्लेन है यहाँ, बिल्कुल कुमाऊ का सबसे बढ़िया जगह। सोमेश्वर में अति उत्तम जगह है, एक बार आओ इधर को घूमते घामते, बड़ा मस्त जगह है। ये देखो, सुंदर वातावरण, सुंदर माहौल, सुंदर प्रकृति, आनंद आ जाता है इधर आके। सोमेश्वर से सीधे रानीखेत वाली रोड में है, यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर के अंदर में फैला है लोध घाटी। अच्छी जगह है। तो गाइस, अब हम सोमेश्वर पहुंच चुके हैं, और यहाँ से हमारा घर थोड़ा सा है 6 किलोमीटर, 6 हमारा, 6 भैंसुड़ा जी का। तो फिर मिलेंगे आपसे 6 किलोमीटर के बाद। गाइस जी पहुंचे सोमेश्वर का बाजार। हम पहुंच गए सौरभ जोशी जी के घर। ये उनका काम चल रहा है ईट का। ये पीयूष के पापा। हाय, पहुंच चुके हम घर में। तो फाइनली गाइस हम अब घर पहुंच चुके हैं। बहुत मजा आया आने में। और यहाँ पर भैया है, ये ईटों का काम कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा मंदिर बनवाना था, तो उसके लिए सामान डाल दिया। तो बहुत मजा आया आने में। पीयूष के पापा बहुत बड़े मेहनती है, देखो लगे हैं काम मंदिर के लिए, मंदिर के श्रद्धा देखो उनकी। हो सकता है हम भी, कल मैं भी आऊँगा इधर को, एक राउंड। दोस्तों यह है सोमेश्वर, ये सोमेश्वर का बाजार, ये ग्राउंड, ये यहाँ की नदी, ये सुंदर दृश्य यहाँ का। ये देखिए कितना अच्छा लगता है ना, बिल्कुल सुंदर दृश्य है। अभी शाम के हो गए। हेलो गाइस, ये सारा केक बर्थडे है इसका। क्या है तेरा क्या बर्थडे हुआ है? ये बंदर की तरह खा रहा है। फाइनली गाइस, अब यहाँ पर ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। धन्यवाद।